हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान कक्षा 10 के नवीन पाठ्यक्रम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम विज्ञान के परिचय इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 रसायन विज्ञान, नंबर 2 जीव विज्ञान, नंबर 3 भौतिक विज्ञान। कक्षा 10 में तीनों विज्ञान मिला के एक किताब बनी है विज्ञान, जिसमें हम तीनों विषय को पढ़ेंगे। सबसे पहले रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर जीव विज्ञान पढ़ेंगे, फिर भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो इसमें फिर बात करते हैं विज्ञान की। पहले हम विज्ञान की सबसे सरल आसान परिभाषा हम सीख पढ़ लेते हैं। तो विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइंस, स्पेलिंग SCIENCE साइंस। इसकी परिभाषा है, प्रकृति में उपस्थित किसी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। गैलीलियो को विज्ञान का जन्मदाता माना गया है, अतः इन्हें विज्ञान का पिता कहा जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, गैलीलियो जी हैं। आगे चलते हैं। नंबर 2 है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। इसकी परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। फ्रांस के केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता या जन्मदाता माना गया है। चित्र आप देख सकते हैं, ये एंटोनी लेवोजियर जी हैं, जो कि रसायन विज्ञान के पिता हैं और फ्रांस के रहने वाले थे। आगे चलते हैं। नंबर 3 विज्ञान है, वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, BIOLOGY स्पेलिंग है इसकी। परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधों आदि वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु हैं, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता। आगे चलते हैं। नंबर 3 जो शाखा है जीव विज्ञान की, वो है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। परिभाषा इसकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की प्रकृति, ऊर्जा तथा उसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। किसी एक व्यक्ति को भौतिक विज्ञान का पिता नहीं कहा जा सकता। गैलीलियो सर आइजक न्यूटन तथा अल्बर्ट आइंस्टीन नामक तीनों वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, लेकिन कुछ विद्वान गैलीलियो को ही भौतिक विज्ञान का वास्तविक पिता मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने वैज्ञानिकों के बारे में, विज्ञान की शाखा के बारे में, विज्ञान की परिभाषा के बारे में सामान्य परिचय या जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम रसायन विज्ञान का पढ़ाएंगे। नमस्कार।